गुरुजी लड़ाई झगड़े वो आप खत्म हो गए, बहुत हो रहे हैं अभी भी, हो गए दो बार उसी में, अभी भी हो गए गुरुजी सब करने के। अच्छा करके दिखाओ, देखो एक विचार आ लड़ाई झगड़े आपके सामने कहूंगी। कोई ओसीडी है आपको? और तुम में भी ओसीडी थी और इसमें भी ओसीडी थी, दोनों में ही ओसीडी थी। आप बोले ना हम इनके लिए आए हैं, पत्नी के लिए, परिवार के लिए। क्या हुआ इससे? क्या होता जहाँ ये बोलते हैं इनके लिए, हाँ। सारे पुण्य हट जाते हैं आपके पास से। अच्छा। सब इन्हीं के पास चले गए। आप उसी में गुरु जी प्रणाम, खुश हो, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। खुश हो, कैसे हो? बढ़िया गुरु जी, बताइए। गुरु जी मैं अपनी पत्नी के लिए आया हूँ। आप हाँ उनको देख लीजिए, उन्हीं के लिए आए। बुलाई बुलाई खुश रहो बेटा, कैसे हो? अच्छी। संकल्प हो गए ठीक से? हाँ बढ़िया है। तो आपको कष्ट तो नहीं लग रहा किसी प्रकार का? क्यों इसलिए नहीं हुए? इसलिए कष्ट आपको बाकी है क्योंकि संकल्प नहीं हो पाए। आंखें बंद। इनके जो शरीर में रोग और कष्ट बने हुए जिनके संकल्प नहीं ले पाएंगे वो सारे संकल्प इनकी प्रार्थना में शामिल किए जाएँ और संकल्प बना दिए जाएँ, पूर्ण कर दिए जाएँ। ओम शिव नश करके सबसे कॉम्प्लेक्स बैलेंस पूरी तरह होश में रखा जाए। शिव से कॉम्प्लेक्स संकल्प ना लेने देने वाली सभी स्मृतियाँ नश करके से कॉम्प्लेक्स बैलेंस शुद्धि। पांच बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, अपना बंधन खींचो पाँच बार। अब चले फिरे, मूवमेंट करें, उठे बैठे सब चेक करें, एकदम अच्छे। ये संकल्प नहीं ले पाई थी इसलिए कष्ट थे इनको, यूट्रस में, ओवरी में, यूट्रस में ही प्रॉब्लम थे और तमाम कष्ट थे, सब चले गए। अब कुछ शेष नहीं, अब बच्चों जैसी बन गई। अब ठीक लेपन करना बेटा, अच्छा खुश हो, प्रसन्न हो। एक दिन सिर में, एक दिन नाभि पेट पे, पूरा पूरा वैसे। गुरुजी लड़ाई झगड़े वो आप खत्म हो गए, बहुत हो रहे हैं अभी भी, हो गए दो बार उसी में, अभी भी हो गए गुरुजी सब करने के। अच्छा करके दिखाओ, देखो एक विचार आ लड़ाई झगड़े आपके सामने कहूँगी। देखो हम बताएं, हम बताएं। देखिए इसलिए आपने गलत संकल्प लिया। आप बोले ना हम इनके लिए आए हैं, पत्नी के लिए, परिवार के लिए। क्या हुआ इससे? क्या होता जहाँ ये बोलते हैं इनके लिए, हाँ। सारे पुण्य हट जाते हैं आपके पास से। अच्छा। सब इन्हीं के पास चले गए, हाँ। तो ये भी गंद, फिर आप में गंदगी आती है। आपको हमें जो भी यहाँ खड़ा हो वाक सिद्धि का दरबार बोलना चाहिए, हाँ। हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के, ठीक है ना? शिव यही संकल्प रखा जाए, खुश है। आप देखिए इनकी तरफ, एक दूसरे की तरफ कोई चिढ़, कोई नफरत, कोई पुराना गुस्सा कुछ दिख रहा? अभी कुछ भी आपको यार, आपको किसी प्रकार को कोई भाव उठ रहा हो अंदर, थोड़ा थोड़ा इनके प्रति उठ रहा हो, चिढ़ हो रही हो, नफरत हो रही, बताइए। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? थोड़ा मतलब अभी पूरा है, अच्छे से नहीं आ रहा। और दूसरा क्या है कि तुमने भी कोई संकल्प नहीं किया इधर बेटा, तुम हटो जरा, तुम लोग यही समस्या है। आंखें बंद करिए। आप इसलिए आए, हम तो पत्नी बीमार, हम तो आ रहा, हम तो ठीक हैं, इसलिए तुमने संकल्प नहीं किए, यही समस्या तुम लोग सबसे बड़ी है। जो संकल्प पत्नी के बनाए गए इनके ही बना दिए जाए, पूर्ण कर दिए जाए और सारे भ्रम नष्ट किए जाए। शिव पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब आप लोग ये सोच के आते हो मैं तो इसके लिए आया हूँ, मैं तो ठीक हूँ, फिर संकल्प पे नहीं करना। बैलेंस। आप देखिए, आप कोई चिढ़, कोई नफरत अभी तो नहीं, खुश। गुरुजी दूसरा थोड़ा हल्का सा ओसीडी है और वो उस तरह का है इसको। अब कोई ओसीडी है आपको? इनको देख करके चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, घृणा होती थी, हो रही कुछ अब आपको? नहीं गुरुजी। सुन लिया, इसी को ओसीडी बोलते। और तुम में भी ओसीडी थी और इसमें भी ओसीडी थी, दोनों में ही ओसीडी थी, दोनों ही चिढ़ते थे, दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते थे। और कुछ दिन बाद तलाक होता क्या? नहीं होता फिर? तो अभी आप टनाटन खड़े हो, कोई ओसीडी नहीं है, एक ही दिन में समाप्त हो जाता है सब।
फर्स्ट क्लास हो, लेपन करो बस अपना अपना अपना, दोनों लोग करो, खुश रहो।